हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे पहले के बॉर्डर्स देखे, कितने अच्छे थे ना। और आज हम एक और नया बॉर्डर बनाने लगे हैं। आज आपको और मजा आएगा। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, समझे, इतना आसान है, बहुत ब्यूटीफुल है ये। और ना, आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और सब्सक्राइब करना है, जो आप लोग करते नहीं है, कर दे ना, ताकि और अच्छे अच्छे बॉर्डर आए और अच्छी अच्छी वीडियोज आए। जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फिर अब हम बॉर्डर बनाने लगते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपनी कॉपी, मतलब ड्राइंग का पेज ओपन कर लेना है। फिर आपने एक पेंसिल लेनी है, एक स्केल लेनी है। ओके, स्केल लेनी है, लेना है जो आपका दिल से आप इन्हें कह लें, ये तो माइंड भी नहीं करते। फिर आपने ले लेना है 3.5 इंचेस तक। आप पहले पेज के सेंटर में जाएं और फिर आपने 3.5 इंचेस पे आके यहाँ पे डॉट लगा लेना है। फिर यहाँ से यूँ करना है, यहाँ से फिर आप पहले एक सी ए बी सी ना लाइन लगा लें। और बताएं कैसी गुजर रही हैं छुट्टियाँ आपकी, बनाए बॉर्डर अच्छे लगे आपको, बन गया ये। और फिर आपने यहाँ पे, यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3.5 इंचेस तक और यहाँ पे भी यहाँ पे हम 3 इंचेस तक, इसी तरीके से इस एंगल में भी हम ये कर लेते हैं। पहले आपने हमने स्केल का जो एंड पॉइंट होता है उसे पेज के एंड पॉइंट के साथ अटैच करके फिर आपने अपने स्केल को बिल्कुल यू कॉपी पे नहीं जाना चाहिए आपके, अपने टेबल डेस्क जिस जगह पे भी रखे उसके बाहर। और फिर यहाँ पे आपने डॉट लगा लेना है, जो बहुत आराम से सही से हो जाएगा फिर आपका। हो गया, अब आप देख रहे हैं ये हो गया। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अपना स्केल दोबारा ले लेना है आपने। अब इसे ये जो है तो आपने इधर कर देना है, 2 इंचेस का गैप इधर दे दे, 2 इंचेस का गैप इधर दे दे, ये गैप दे दिया आपका जो डॉट हो गया। फिर हमने यहाँ पे ऐसा से एक लाइन लगानी, बहुत लाइट होनी चाहिए। आप जब कोई भी बॉर्डर ड्राइंग जो भी चीज़ बनाए ना, आपने उसके ऊपर बहुत आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल फेरनी है। ये जो बहुत डार्क डार्क पेंसिल फेरती है ना, उसकी वजह से आपका पेज खराब हो जाता है और ना फेरना लाइनें बढ़ जाती हैं गंदी गंदी सी। ये देखें, ये हो गया। अब आपने सबसे पहले करना है, और इधर भी अब आपने ना गैप दे दें आप थोड़ा सा, 1 इंच का, 1 इंच का इधर और 1 इंच का इधर। आप लोग सोच रहे होंगे लो बाबा क्या करे जा रही अजीबो गरीब सा काम, रुकें जरा, सबर कर लें। ये हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है, या फिर आप अपना डी ले ले, नहीं, आपको मैं हाथ से बनाना सिखाती हूँ ताकि जिनके पास डी नहीं है उनके लिए आसानी हो। आप प्लीज इसे जूम कर दें कैमरा में। देखा आपने कितना अच्छा बन गया यहाँ से। और अब आपने यहाँ पे भी ऐसे ही बना लेना है, ये जो है इसी डॉट से हमने यूं बनाना है। और अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में कोई नॉइस आए तो आपने उसे प्लीज इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ कि मेरी टीम वर्क करेगी। अगर गलती से कोई मिस्टेक हो गई उनसे के रह गया तो आपने प्लीज उसे इग्नोर कर देना है। अब फिर ये दोनों जगह बन गई ना, अब आपने यूँ करना थोड़ा सा कि आपने सीधा सीधा यहाँ पे नीचे ले आना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये। अब आपने ये वाली साइड पर आना है और जो डॉट था वहां तक लेकर आके रोक गया, फिर इस साइड पर आना है और फिर जो डॉट था वहां पर लाके ओके। अब हम थोड़ा सा मैजिक कर लेते हैं ताकि सारा कुछ रेज हो जाए। हुल 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 एक सेकंड,
सेकेंड, ये क्या हो रहा है? हवा आ रही है, हमें रोकना पड़ेगा इसके बीच में, हम प्रोटेक्टर। असल में मैंने फ्रेंड्स अभी विंडो ओपन की हुई है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उसके लिए ना यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ना, इधर है तो गर्म, ठंडी ठंडी हवा ही नहीं चल रही। दुआ करें हमारे सिटी में भी बारिश हो जाए ताकि थोड़ा सा अच्छा मौसम हो जाए। अब कहाँ बातों में हम आ गए, हम अपना काम करते हैं, अब मैजिक करते हैं। वाह, ये देखे सारा मिटका कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें इसमें मार्कर ट्रेस करना है, आपको जैसे पता है हर बॉर्डर के लिए क्या मेन चीज होती है, उस पर मार्कर ट्रेस होना चाहिए। तो हमें ब्लैक मार्कर लेना है, ऑब्वियसली हमें तो पता ही है कि ये करना होता है, बहुत कम होता है जिसमें दूसरा कलर करना होता है, जैसे पुराने वाले में और मार्कर नहीं था इतना ब्लैक, वो जो ट्रायंगल ट्रायंगल वाला बॉर्डर नहीं मैंने बनाया था, उसमें नहीं था मार्कर, उसके सिर्फ इतने वाले स्क्वायर रेक्टेंगल में था, बाकी जो उसकी साइडों पे था उसमें बिल्कुल ब्लैक नहीं। तो अब आपने बिल्कुल बहुत आहिस्ता से यू करना है, आहिस्ता आहिस्ता से डबलिंग करनी है। फिर आप अपना प्रोटेक्टर लियो ले और फिर उसके साथ ये कर रही है, मैं आपको एक छोटा छोटा ट्रिक बता रही हूँ। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। अब वाला कर लिया, अब हम दूसरे को भी करते हैं, हमने इसी तरीके से करना है, पहले अच्छे से यूं कर ले, कर लिया और फिर आपने इसमें डबलिंग करनी है। बहुत आहिस्ता से अपने काम करना है, बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। और फिर आपने ऐसा 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 पेज को रोटेट करते रहना ताकि आपका बॉर्डर और का ये जो डबलिंग वाला काम है ना बहुत अच्छा बने। ऊपर वाले का भी करते हैं, इसमें हमें ज्यादा नहीं करना, इसमें थोड़ा हमें कम करना है इससे डबलिंग, लेकिन इसमें भी होगी। ऐसा से एक जगह करा, फिर अब हम इधर दोबारा करते हैं और फिर यहाँ पे ले आते हैं, अजान की ब्रेक लेते हैं। अजान की ब्रेक हुई कंप्लीट एंड अब मैं आपको क्या बताऊं, आप रुक रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कंप्लीट कैसे हो गया। लेकिन आपको सोचने की जरूरत, मैं तो एक तो ये सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ कि आप हर चीज में इतनी जल्दी परेशान कैसे हो जाते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको आपने देखा ना अजान आई, तो अजान की ब्रेक में मैंने सोचा कि आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करूं मैं, इसलिए मैंने ये करना शुरू कर दिया। और आप लोग जो परेशान होने लग जाते इससे मैं परेशान हो जाऊंगी, तो फिर बॉर्डर कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा बॉर्डर। तो कब कितनी दफा कह चुके परेशान नहीं हुआ करें, परेशान नहीं हुआ करें, और आप लोग परेशान हो खत्म ही नहीं करते, परेशान ही हो जाते। तो अब परेशानी खत्म करें, टेंशन फ्री रहा करें और मेरी वीडियोस को देखा करें। और जब भी आपने टेंशन नहीं लेनी, अब हमने पेज का एंगल चेंज कर लिया, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे कलर्स करने हैं, हमने ये 3 कलर्स करने हैं। ओके, ये देख लें, अब हम सबसे पहले इन दोनों साइड्स पे कर देते हैं, सबसे पहले अपना बोर्ड ले लेते हैं,
ऐसा ऐसा करेंगे हम यहाँ पे कलर। अब कलर करते रहेंगे यूं यूं करके, ना यूं शेप्स ही बना रहे हैं आप लोग। बहुत लाइट करना है कलर, मैं आपको समझाती हूँ क्यों। यूं दो लाइनें कर लें आप, येलो की एक थोड़ी सी डार्क थोड़ी सी लाइट, और अब आप इसमें कलर करें। थोड़ा गंदा गंदा हो जाए तो बेटर है, क्योंकि बाद में इसे अच्छा ही करना है। फिर इधर थोड़ा लाइट लाइट कलर कर रहे हैं लोग। यहाँ पे और लाइट करें ये लोग। और साइडों से इन्हें डार्क कर दें, ऊपर से नीचे से नहीं। ओके, नीचे से करेंगे ना सारा खराब हो जाएगा। और आपने क्यों किया नीचे से, मैं आपको देख रही हूँ, आपने नहीं करना, जल्दी से इरेज करें। हाँ जी, ये वाले सही कर रहे हैं आप एक तरह से कर लिए ना। अब आपने यहाँ पे ऑरेंज कलर लाना है, और लाइट लाइट ऑरेंज कलर करना है, बहुत लाइट लाइट करना। हल्की सी इरेज कर लेना है। ये पता हूँ क्या इरेज क्यों करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ। इरेज इसलिए करना है क्योंकि ये इरेजर पे कलर आ जाते हैं ना, फिर आप देखिएगा आगे क्या क्या होता है। यूँ हमने आहिस्ता आहिस्ता इरेज करते रहना। एक ही साइड से खींचे कि ये ना रेजर को यूँ गोल गोल कर करके इरेजर करते हैं, और आप बाद में देखें आपकी इरेजर पूरी येलो हो जाए, तो नहीं ऐसे करना। ये देखें कलर थोड़ा ब्लेंड ब्लेंड से हो गया ना, तो यही तो करना था। और यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे तो क्यों कलर ब्लेंड हो जाएगा। कितने इंटेलिजेंट हूँ मैं, आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम अलग से डार्क करते हैं, और यूं करके, और आपने ऐसे ऐसे करना है फिर। और ये आपका जो पेज यूं यूं हो रहा है, इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पेज होता है, ये सबका होता है, ये नॉर्मल बात है, डोंट वरी। अब आपने येलो येलो खोलना है, ऑरेंज ऑरेंज, लाइट लाइट ऑरेंज। यहाँ पे ये थोड़ा येलो येलो तो कर दे। फिंगर से जोर जोर से करना है ताकि ये दोनों कलर मिक्स मिक्स हो जाए, मिक्स 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 मिक्स। बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है फिर फिंगर। ये थोड़ा सा जूम कीजिएगा कैमरामैन, ये देखें। तो ये देखें थोड़ा सा मिक्स मिक्स हो गया ना, थोड़ा आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन परेशानी की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने आपको कलर दिखाया था, अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे लाइट लाइट लाइट, और इसे थोड़ा सा यहाँ पे करना है ये कोनों में, ताकि थोड़ा सा ऑथेंटिक कलर सब अच्छे। बहुत ज्यादा गुड गुड वेरी गुड वाला हो जाए। और येलो को यहाँ तक कंप्लीट कर, वो ही पर्पल होने वाले। माय गॉड माय गॉड, अब हमें नहीं करना ऐसे। यहाँ पे न्यू लाइन ले आए हैं, कौन सा कलर, ये वाला करा लाइट साइड पर हो जाओ, तुम क्यों कर रहे हो कलर। मैं तो आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे बॉर्डर बनाना सिखाती हूँ, मगर आप लोग तो मेरी वीडियो को लाइक ही नहीं करते। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ही नहीं करते, मैं बॉर्डर बनाना छोड़ दूंगी। वरना अगर मुझे लाइक नहीं मिले तो देख लीजिएगा, मैं बॉर्डर बनाना छोड़ दूंगी छोड़ दूंगी छोड़ दूंगी।
फिर आप लोगों को मजा आएगा कि कोई बॉर्डर सिखाने वाला ही नहीं होगा मेरी तरह। फिर देखिएगा क्लास में हीरो के बदले जीरो बन जाएंगे। और बुरा मनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको सच बात बता रही हूँ। और वैसे भी सच हमेशा कड़वा जो होता है, क्योंकि मैं ना कहूँ आप लोग तो लाइक ही नहीं करते मुझे, तो मेरा दिल नहीं दुखता। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से काम कर रही हूँ और आप लोग हैं जो मुझे लाइक ही नहीं कर रहे। बस आपको वीडियो देखनी होती है, वहाँ बस वीडियो मिल जाए, उनके लिए आप थोड़ा एक लाइक नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते आप एक मासूम से बच्चे को। लाइक करें, व्यूज बढ़ाएं, कोई कॉल करेगा है? अब हम इस अब मैं और नहीं कर सकती। हुलू लुलू वाला कलर परफेक्ट कर पाएगा, इसे भी कर दो, इसे भी कर दो हुलू लुलू वाला। अच्छा तो करे हुआ, मगर ये क्या है? मगर बहुत अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स? वाओ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा तो दिल खुश हो गया और गार्डन गार्डन हो गया मेरा दिल। ओ माय गॉड, कैमरामैन जरा जूम आउट करके पूरा दिखाएं इसे कि क्या ये शानदार बना दिया है। उलू लुलू सलाम है आपको, वाओ कितना अच्छा बना दिया है। अब ऐसे खाली खाली थोड़ी ना छोड़ेंगे, बहुत गंदा लगता है। तो अब हमने सबसे पहले स्केल लेना है, फिर ब्लैक मार्कर लेना है जो आपको पता है, फिर लेना हमने डार्क ग्रीन, और फिर लेना है पर्पल। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये करने क्या लगे हैं नू बाबा। तो आप ने सबसे पहले अपना डी या प्रोडक्टर को देख लेना, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको इससे चेक करके बता देती हूँ ये कितना इंचेस का है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास डी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे उनके पास डी नहीं होती या काफ़ी लोगों के पास भी डी नहीं होती, तो आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। फिर 10 के बाद बीच में आए 8 के बाद 6, ये नंबर्स बोल रहे हो ना सेंटीमीटर है, ओके 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, या 4 तक क्यूट है, मैं जैसे यहाँ तक क्यूट है। तो अब हम ऐसा ही यहाँ पे भी कर लेते हैं, बहुत मुश्किल है। हुलू लुलू वाले मैजिक जल्दी से अपना मैजिक दिखाएं। हुलू लुलू हुलू लुलू हुलू लुलू हु, वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम अपना काम करते हैं जो हमने लिया था, ये ग्रीन एंड पर्पल वाला। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लीज थोड़ा सा इस पे फोकस करवाइए कैमरामैन। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए आज। थू थू थू, कितना अच्छा लग रहा है। अब आप पर्पल वाला मार्कर ले लेना है, वाओ ब्यूटीफुल माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये हवा असल में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है ना, तो इसलिए ना हमने अपनी विंडो ओपन कर ली थी फ्रेंड, क्योंकि फिर अफसोस हो जाती है, फिर सांस बंद होने लग जाता है। इस वजह से ना हमने विंडो ओपन कर ली थी ताकि हम यहाँ पे क्रॉसिंग होती रहे, हम ताकि वीडियोस अच्छी अच्छी आराम से बना सकें।
और ये हवा से मेरा पेज उड़ाया जा रहा है। मैं क्या करूं पेज को रोकने के लिए, इसलिए मैंने अपना टी रख दिया। और ये देखे हैं कितने अच्छे अच्छे डॉट्स हो रहे हैं। वाह सो मच ब्यूटीफुल, क्यों इतना प्यारा लग रहा है। अरे आप देखें देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और बहुत ब्यूटीफुल है। तो बताएं फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरा ये अनोखा मनोखा झटपट वाला बॉर्डर। और इसे बनाना बहुत आसान है, और आपने देखा कितना प्यारा है, और इसके ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत सुभान अल्लाह वाला है। तो आप जल्दी जल्दी से मेहरबानी फरमा कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, ईमो पे करें, ट्विटर पे करें, जहाँ करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बस आपने मेरी वीडियो को शेयर करना है, करें करें ताकि लोग भी देखें और बॉर्डर्स बनाएं। और आप बॉर्डर बना के जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ताकि टीचर आपको मार्वलस दें, लोग आपकी तारीफें करें। और आप है कि लोगों को सब्सक्राइब ही नहीं करवा रहे और लोगों से ताकि वो भी देखें। और आप लोगों का मैंने टाइम पास का भी बहुत अच्छा जरिया बनाया हुआ है। तो अब आप लोग इसको लाइक करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।